खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर जोरदार स्वागत है। बहराइच से कौन बनेगा प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं। ऊर्जा से भरे देशभक्तों की टोली बहराइच के नौजवान। आता हूं भैया, पहले महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। देखिए, कुछ कहना चाहेंगी? मोदी। अरे इसके अलावा अभी तो कुछ बोलिए। मोदी मोदी बहुत अच्छा काम करता है, महिलाओं का सुरक्षा मिलता है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस खाली चोरों की सरकार है। कांग्रेस खाली चोरों की सरकार है। सपा बसपा सब चोरों की सरकार है। सिर्फ मोदी के गुजरात के 7 विधायक चले गए। पहली मीटिंग प्रियंका की ऐसी सफल हुई है। हम भैया ये बोलना चाहते हैं, आप सुन लीजिए। मैं जिंदगी भर मेरा परिवार यही भाजपा का रहा, लेकिन मेरे लड़के के अनुराग तिवारी का मर्डर कर दिया कर्नाटक में। ईमानदार लड़का मर डाला गया। ना मोदी साहब ने सुना, ना योगी साहब ने सुना। मैं अमन क्या किसका वर्णन करूं? मेरा आईएएस बेटा कमिश्नर मर डाला गया। कोई पुछार नहीं है मेरी जनता पार्टी में। कोई मैं हाथ जोड़ प्रार्थना करती हूँ, कोई कुछ कर नहीं रहा। मोदी जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे बेटे के लिए कुछ करें। चलिए, आज आपकी आवाज एबीपी न्यूज पर उठ गई और इस मामले को आगे भी ले जाएंगे। सर, ये सपा बसपा और कांग्रेस के मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि नदी नाले तालाब की बरसात में चढ़ी जवानी है, पता तो गर्मियों में चलता है कि किसमें कितना पानी है। ये आने वाली 23 तारीख बताएगी इनकी औकात पता हो जाएगी। प्रधानमंत्री गठबंधन का ही बनेगा, और जो 56 सीने की बात कर रहे हैं सब लोग, ये हमारे नेता अखिलेश यादव कुंभ मेला में नहाने गए थे और मोदी भी गए थे, वहाँ सब लोगों ने 56 इंच का सीना देख लिया था। और राम मंदिर का वादा किया था, धारा 370 2 लाख। ये तो खैर पूरा देश सवाल पूछ रहा है। अपने जो समाजवादी पार्टी के नेता जो अपने बाप के नहीं हुए, वो आम जनता के क्या होंगे? उनको ये सोचना चाहिए। वो आज एक मिनट सर, सर मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ी योजना चलाई MSDP, जिसमें 2 उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग लखनऊ के ने पूरा घोटाला किया। 460 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए, वो उसको खा गए। बहराइच में सद्भावना मंडप बनने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा दिया, यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारियों ने लिख के भेज दिया कि यहाँ सद्भावना मंडप की आवश्यकता नहीं है। उसके बारे में इन भ्रष्ट अधिकारियों, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 2 उपनिदेशक सर इस वक्त बहुत भ्रष्ट हैं, उन्होंने सैकड़ों लोगों को बेरोजगार। चलिए पूछूंगा ये सवाल। अच्छे दिन तो जनता के आए नहीं। मैं पूछना चाहता हूं जो लोग सवाल उठाते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि अडवाणी जी को क्यों नहीं, अडवाणी जी भी तो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको क्यों अलग बटाल दिया गया? और नेताजी को जी हमें लगता है कि जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारे मोदी जी ने 15 लाख नहीं दिया, हमको लगता है कि इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, इनको अपना मैथ ठीक करना। आपको मिल गए आपके? बिल्कुल मिल गया। लैट्रिन उन्होंने, शौचालय दिया उन्होंने, आवास दिया उन्होंने, हर सब कुछ दिया, तो इनको काउंट करना नहीं आता। काउंट करके देखे 15 लाख उन्होंने दिया। देखिए इसे कहते हैं सकारात्मक सोच। चलिए मैं इधर आऊंगा भैया। आराम से। एक मिनट, मेरा नाम है रामतेज यादव। बात रखिए अपनी। मुस्कान भाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ जो आप जनपद में मेरे लोगों से बातचीत करने आए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और मायावती का जो गठबंधन हुआ है वो बहुत ही सही हुआ है। उसी के लोग सब उत्तर प्रदेश जीतेंगे। हम लोग दिल्ली में सरकार बनाएंगे और मायावती जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जनपद अखिलेश यादव से तो पूछ लेते हैं कि मायावती को बनाना चाहते हैं कि नहीं। वो जो आप भैया पीछे आगे मत आओ। एक मिनट मेरी भी एक मिनट आपकी बात होगी, मैं आऊंगा दोबारा। युवाओं से भी बात कर लूं। 5,000 जानवर छुट्टा यहाँ चल रहे हैं, फसल सब नष्ट हुई जा रही है, किसान बहुत परेशान हो रहा है भाई। और कैसरगंज में महिला अस्पताल है, उसमें महिला। शासन सत्ता इनका तो राफेल की फाइल कहाँ से चोरी हो गई? सर शासन सत्ता इनका राफेल की फाइल कहाँ से चोरी हो गई? सर ये वही बहराइच है जहाँ पर ऑक्सीजन के बगैर 1 महीने में 23 बच्चे मर गए। और मैं आपके शिखर सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने बताया कि हमारे
हमारी कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जो अदालत में लटकी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि झूठ बोलने की ट्रेनिंग क्या मोदी जी से ले रहे हैं, जबकि पूरी की पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती हर रिकॉर्ड में अटकी हुई है। तो हमारा फिर रोजगार का है सर। ठीक है, रोजगार का सवाल है। हाँ, इधर आता हूँ, बोलिए बोलिए। लोग कहते हैं 15 लाख नहीं मिला, देश सुरक्षित है, तो 15 लाख भी मिलेंगे। और कांग्रेस लगातार देश में ये परसेप्शन तैयार कर रही है कि वो एंटी नेशनलिस्ट है, और हम एंटी नेशनलिस्ट को नहीं चुन सकते। आपकी लॉलीपॉप नहीं ग्वाले आने वाला। एक कहावत है कि कह रहीम कैसे पैर को संग, वह दौलत साहब ने उनके फाटा तंग। ये गठबंधन केवल निजी स्वार्थ के लिए बनाया गया है। इस इलेक्शन के बाद इस गठबंधन का कोई पता नहीं होगा। मैं ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से करना चाहता हूँ कि रामलला के नाम पर इन्होंने सरकार बनाई थी, और आखिर मोदी जी रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं आए? ये पाखंडी है, जुमलेबाज है, इनको ईश्वर माफ नहीं करेंगे। और आदरणीय अखिलेश यादव और बहन जी की गठबंधन की सरकार 23 तारीख को नया प्रधानमंत्री बनेगा, और सब वीर भाई वाल्मीकि यहाँ से सांसद चुने जाएंगे। जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय मुलायम, जय बलेंगे। हो गया। जागरूक होना होगा, और यही आज प्रियंका ने भी कहा कि आपकी सबसे बड़ी हथियार जो है वो आपकी जागरूकता। अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए, और बहराइच में 5वें चरण में मतदान में सबसे निवेदन करूंगा पूरे बहराइच से कि मतदान जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका मतदान ये तय करेगा कि देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं, और नहीं है तो कैसे आएगा सुरक्षित हाथों में। आज बहराइच से कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सफर इतना ही। तो आइए 12 बंकी की तालियों के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री में अब राजनीतिक चर्चा का दौर। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भैया, जोरदार, बहुत बढ़िया। और आइए तो भैया, मोदी जी ने भरोसा तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, तोड़ा है कि नहीं तोड़ा? देखिए कितने लोग हाथ उठा रहे हैं, कह रहे हैं तोड़ा है। ये सब भरोसा कह रहे हैं कि हमारा भरोसा है, ये बोल रहे। ठीक सुना, सब भरोसे वाले हैं। अच्छा, ये सब कह रहे हैं कि भरोसा है। चलिए मैं रिएक्शन ले लेता हूँ, जनता का रिएक्शन ले लेता हूँ। मोदी से क्या उम्मीद है साहब आपको? अरे मोदी को तो मैं हटाना चाहता हूँ, लेकिन किसको वोट दूँ, किसको वोट दूँ? ये बड़ा सवाल है कि मोदी को हटाना चाहते हैं लेकिन वोट किसको दें? मतलब मोदी का कोई विकल्प नहीं है, कोई मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है इस देश में। चलिए कौन कौन जी बोलिए। मोदी जी के आगे कोई विकल्प नहीं है, और ये सब विपक्षी एकदम बेवकूफ है। अगर वो चोर है तो मुकदमा क्यों नहीं हुआ पूरे देश में? अगर ये मोदी जी आते हैं, ये भाजपा वाले पहले भाबरी मस्जिद को गिराया, उसके बाद डेवलपमेंट गिरा, बाबा विश्वनाथ के घर के मंदिर जिनको देखने दुनिया से लोग आते हैं, उनको इन्होंने डेवलपमेंट करा तोड़ दिया। पीछे से आगे बताइए, मैं आऊंगा आपके पास। देश को बार बार झूठ से बुनियाद पर नहीं चल सकता है। जिस तरीके से कचहरी के अंदर मंजन बेचने वाला झूठ बोल करके मंजन बेच के चला जाता है, उसी तरीके से जनता ने इनको ओढ़ दिया था। बार बार झूठ के बारे में बताने वाला है, जनता उसी को ओढ़ देगी जो विकास की बात करेगी, देश को बचाने की। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि आम जनता की रक्षा करे। जब वो राफेल की फाइल रक्षा मंत्रालय से चोरी हो सकती है, तो एक आम नागरिक की रक्षा कैसे कर सकती है? पहली बार ये बात हुई है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिया देश में, राजनीति में हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिया। किसान विरोधी है ये सरकार, मोदी सरकार, हजारों करोड़ों। सेटल हो जाइए आप लोग, मैं उधर चला जाता हूँ, उधर से रिएक्शन ले लेता हूँ। हाँ भैया बोलिए, आराम से बैठे रहो अपनी जगह पर, बैठे रहो। पूरे देश के गठबंधन का अधिकारी और पूरे देश के जितने भी भ्रष्टाचार नेता हैं, उनको चौकीदार का हमेशा से चौकीदार का भय चोरों को रहा है, और आज भी रहा है, और कल भी रहेगा। बस एक ही बात कहना चाहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, बाकी सब नामुमकिन है। ये सब जीतने वाले नहीं है। जो इनकी मायावती की इज्जत लूटे उसी से गठबंधन किए हुए बैठे हैं ये लोग। मायावती मोदी जी मुंह में गुटखा भरा हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। मोदी जी जी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री जी। सर, गांव के लिए दो बुनियादी चीजें चाहिए थी, बिजली और शौचालय। मोदी जी हमने 3500 रुपए में कनेक्शन करवाया, आज फ्री हो रहा सर, और पूरे देश में हो रहा, पूरे देश में शौचालय। एयर स्ट्राइक पहली बार हुई,
एयर स्ट्राइक पहली बार हुई इस देश में। मैं 47 साल क्या हो गया हूँ, भारत ने हमेशा पाकिस्तान से पिछले 20-25 सालों में मार खाई, अब पहली बार ऐसा हुआ है। ये देश की सेना ने किया है निश्चित रूप से, लेकिन ये देश के नेतृत्व ने भी किया है। और इसके पहले भी अगर हम इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते हैं तो सिर्फ इस नाते कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और इसका श्रेय हम इंदिरा गांधी को देते। क्या इंदिरा जी स्वयं बॉर्डर पर नहीं गई थी? बाराबंकी की समस्या, युवा की समस्या, जिसके पास, अरे आराम से वही खड़े रहिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ देखिए, अटल बिहारी सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को खत्म किया है, और मोदी जी ने भी पुरानी पेंशन को नहीं लागू किया है। और जब तक कर्मचारी खुश नहीं है तो देश का कोई नागरिक नहीं खुश हो सकता है, कोई देश नहीं खुश हो सकता है। इसलिए बीजेपी को पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए, अगर नहीं बहाल करती है तो मोदी और बीजेपी नेस्तनाबूद कर दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, एक विधायक जो पूरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है उसको डीआरडीए और लोकसभा गार में अगर जूतों से मारा जाता है तो आप बताएं कि मोदी जी और योगी जी हम लोगों की क्या रक्षा करेंगे? देखिए, आज भी हमारी इकॉनमी 65% किसानों पर डिपेंडेंट है, और जिस तरीके से मोदी जी ने 6,000 रुपए किसानों को दे के 15 रुपए दिन के पे रखा है, इससे बड़ी बेइज्जती किसानों की कभी नहीं हुई है। जबकि राहुल जी का यह कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मिनिमम वेजेस गारंटी स्कीम लेके आएंगे, किसानों को उनका हक मिलेगा ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। पीछे जाता हूँ, पीछे चौकीदार जोर है, युवाओं को सिर्फ 5 साल जो है इन लोगों ने जुमलेबाजी की, बाकी इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और 4.5 साल देश रुटवा दिया, विदेशों को देश का पैसा पूरा विदेशों भिजवा दिया मोदी ने, पूरा कंगाल बना दिया देश को। मोदी चोर है, मोदी चोर, योगी चोर, मोदी चोर। ठीक है, ये भी एक विचार है, इसको दबाया नहीं जा सकता जब लोग कहते हैं कि चौकीदार चोर है। महिलाओं से बात कर रहे हैं तो भैया आपके बीच महिलाएं भी बैठी है, उनका सम्मान कीजिए, क्या कहना चाहेंगे? आप सुन रहे हैं ना, सारी जनता कह रही है मोदी चोर है, तो सही बात है, उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं कहा। अगर चौकीदार चौकन्ना था तो फाइल कैसे चोरी हो गई? माइक मत छीनो, मैं आ रहा हूँ ना। युवा वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, सब परेशान है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि उन्होंने नौजवानों के रोजगार के लिए बात की थी, मगर उनको लॉलीपॉप देने का ये मोदी सरकार ने जो काम किया है उसके एवज में नौजवान इस बार वोट देकर उनको उनकी हैसियत बना।